हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। डीएलएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की होगी परीक्षा 2 से रजिस्ट्रेशन। सत्र 2018-20 में जिन लोगों ने बिहार में डीएलएड में एडमिशन लिया था उनके फर्स्ट ईयर की परीक्षा होने वाली है। और इस तरह से पहली बार ऐसा होगा, बिहार बोर्ड पहली बार कर रहा है आयोजन 8 तक ऑनलाइन पंजीयन। डीएलएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की होगी परीक्षा और 2 से रजिस्ट्रेशन। तो आइए पूरे न्यूज़ को देखते हैं। बिहार बोर्ड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड के सत्र 2018-20 के पहले वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा लेगा। पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने के लिए शुक्रवार को शेड्यूल जारी किया गया। इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बोर्ड से संबद्ध ट्रेनिंग कॉलेजों के प्रशिक्षण सत्र 2018-20 की फर्स्ट ईयर की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 से 8 जुलाई तक इन संस्थानों के प्राचार्य कराएंगे। उससे पहले प्राचार्य बोर्ड की वेबसाइट www.biharboard.online से शनिवार से 1 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर अपने विद्यार्थी को देंगे। फॉर्म भरे जाने के बाद प्राचार्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरकर शुल्क जमा करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से होगा। बोर्ड ने कहा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय छात्र छात्रा के नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, कोटि, जाति कोटि, लिंग, विषय आदि में त्रुटि न हो, इसलिए सावधानी बरतें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने में असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर यहां दिया गया है, यहां आप देख सकते हैं, यहां पे संपर्क करें। और चलिए देखते हैं रजिस्ट्रेशन कितने सालों तक वैलिड होगा। रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए डीएलएड सत्र 2018-20 के रजिस्ट्रेशन की मान्यता जो होगी वो 3 वर्ष के लिए होगी। यानी वर्ष 2018 में रजिस्टर्ड विद्यार्थी वर्ष 2021 तक की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 2022 की परीक्षा देने के लिए सत्र 2020-22 में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है ₹370 तय किया गया है। पात्रता के लिए शर्त क्या क्या है, देखिए 1 जनवरी 2018 को परीक्षार्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र वाले का आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा। जमा शुल्क वापस नहीं होगा। सत्र 2018-20 के विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता उच्चतर माध्यमिक तथा समकक्ष परीक्षा से कम से कम 50 समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक होनी चाहिए। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग की स्थिति में न्यूनतम 45% अंक पाने वाले छात्र पात्र होंगे। इसके बाद है सुधार का भी मौका। बोर्ड ने कहा कि कॉलेजों के प्राचार्य ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की 3 प्रतियां वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। 2 प्रति अपने हस्ताक्षर मोहर के साथ विद्यार्थी को देंगे और 3री प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की में त्रुटि मिलने पर विद्यार्थी अथवा अभिभावक उसमें संशोधन कर प्राचार्य को देंगे। त्रुटि सुधार के लिए मिले फॉर्म के आधार पर प्राचार्य पोर्टल पर संशोधन करेंगे। तो आगे भी मैं बिहार शिक्षक बहाली, डीएलएड, सीटेट, मतलब शिक्षा से संबंधित सारे न्यूज़ से आप लोगों को अपडेट करते रहती हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।